हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मेरी बहन आपको निहारी बनाना सिखा रही है, जो बहुत मज़े की बनी थी। आप सब लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सूखा धनिया, ज़ीरा, सौंफ, जायफल, जावित्री, काले मिर्च, लौंग, दालचीनी, इन सबको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से इसका मसाला बना लेना है। फिर एक प्रेशर कुकर में एक कप ऑयल डाल के इसके अंदर हमने 2 किलो बीफ डाल देना है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना, थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर सारा हमने बीफ डाल लेना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद एक दूसरे फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर सारे प्याज को फ्राई कर लेंगे, जो हम बाद में यूज़ करेंगे जब निहारी हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे और जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर एक पैकेट निहारी मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाला जल नहीं जाए। जब गोश्त का कलर इस तरह से हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। दूसरी तरफ से हमारे प्याज ब्राउन होते जा रहे हैं, इसको हम एक साइड पे निकालते जाएंगे। अब प्रेशर कुकर के अंदर 2 किलो गोश्त है तो हमने 4 लीटर पानी के डालने हैं। इधर मैंने 2 बड़े जग पानी के डालने हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और एक साबुत प्याज इसके अंदर डाल देंगे। इसके ऊपर से ये ऑयल उतार के एक साइड पे रख लेंगे, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसको बंद करके रख देंगे। इसको 40 to 45 मिनट के लिए हमने पकाना है। 45 मिनट के बाद इसको हम जब खोलेंगे तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। जो साबुत प्याज डाला था इसको निकाल देंगे और गोश्त को चेक कर लेंगे कि अच्छे तरीके से गल चुका है गोश्त। अब हमने 7 से 8 टेबलस्पून आटे के लेने हैं, जो नॉर्मल आटा हम घर में यूज़ करते हैं। उसके अंदर पानी डाल के उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ये आटा हमारी निहारी को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होता है। अब इसके हम निहारी के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता करके डाल देंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे कि कोई भी गुठली ना बने। ये डालने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट तक हमने इसको कुक करना है, ताकि आटा कच्चा नहीं रहे, वो भी साथ पक जाए। अदरक, प्याज, ब्राउन की हुई हरी मिर्चें और नींबू इधर साइड पे रखा है और ये तरी रखी है। इसके अंदर अभी सारा प्याज डाल देंगे, ब्राउन प्याज, और दूसरी साइड पे जिसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया था उसी के अंदर हम अपनी तरी डाल देंगे जो उतारी थी। अब वापस इसके अंदर हरी मिर्चें, अदरक और नींबू डाल देंगे। दूसरी साइड पे हमारा तड़का तैयार हो रहा है। अब हम अपनी निहारी को अच्छे से सर्व करेंगे किसी बर्तन में गर्मा गर्म। इसके ऊपर अब तड़का डाल देंगे जो हमने तैयार किया है, और बाकी सारी चीज़ें अपनी चॉइस के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, हरी मिर्चें, अदरक, नींबू। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।